जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार साथियों, आज 7 मई है। तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। 2 चरण के मतदान समाप्त हो जाने के पश्चात जिस तरह से वोट का प्रतिशत कम हुआ और दूसरा क्षत्रिय समाज की पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में जो नाराजगी थी उसका भी असर भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करने के लिए पर्याप्त था। भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई। उन्होंने अपने आरएसएस के गुरुओं से संपर्क किया। संपर्क के पश्चात एक ही उनको निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ। उनके सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सारे रणनीतिकार हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही इस समय लगे हुए हैं और एक ही उनका लक्ष्य है कि क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज को किस तरह से मनाना, सीधे मनाना या टेढ़े से मनाना। सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अख्तियार किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में तीसरे चरण के मतदान के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है पूरब की तरफ, तो एक सीट विशेष चर्चा या हॉट सीट कही जाने वाली जौनपुर की सीट, जिस पे सबकी निगाहें टिकी थी और लोग ये मान रहे थे कि जो धनंजय सिंह को भारत बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है वो सीट लगभग पक्की है, वो जीत जाएगी। वो सीट ही नहीं, उसका असर अन्य सीटों पे भी पड़ने वाला था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने केवल इसी प्रयास में क्षत्रिय समाज को मनाने का जो तरीका है वो अगर सीधे से नहीं तो टेढ़े से, ये असर धनंजय सिंह पे आ गया। अब इसका सीधा कल जो घटनाक्रम हुआ जौनपुर में, सुबह से ही ये नैरेटिव चलाया गया कि धनंजय सिंह का टिकट बहन मायावती जी काट रही हैं, किसी दूसरे कैंडिडेट को यहाँ से लड़ाएंगी। ये नैरेटिव दिन भर मीडिया, सोशल मीडिया और सब जगह प्रचारित होता रहा। ये नैरेटिव या ये समाचार, ये खबर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाई गई। किसी तरह से ये उनको मैसेज देना था कि अगर ये बात तय हो जाती कि बहुजन समाज पार्टी ने टिकट काटा है तो क्षत्रिय समाज नाराज होगा और अन्य समाज के लोग भी नाराज होकर कि बहुजन समाज पार्टी इसी तरह से ऐन वक्त पर टिकट काटती है, तो ये नैरेटिव उनके विरुद्ध में जाएगा, इसलिए इन्होंने चलाना शुरू कर दिया। शाम तक बहुजन समाज पार्टी के खेमे में भी खलबली मची। उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं घनश्याम खैरवा जी, वो उन्होंने संपर्क साधा। उनके कार्यालय का उद्घाटन भी होना था, श्री कला धनंजय सिंह के का जो टिकट था उनके कार्यालय का उद्घाटन भी होना था। शाम तक कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ, इस बात का खंडन करते रहे। बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर हैं, लोकल लीडर, वो खंडन करते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यही चुनाव लड़ेगी, कोई टिकट काटने की कोई बात नहीं है। लेकिन यह खबर 11 बजे सत्य निकली और 11 बजे धनंजय सिंह जी ने वहां के लोकल जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उनको फोन करके उन्होंने यही कहा कि हम चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं, हमारे पिताजी बीमार चल रहे हैं, हमारे पिताजी कह रहे हैं कि मना कर रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना है और ये दबाव है हमारे ऊपर। ये दबाव किसका है, कहां से दबाव है, ये पूरी जनता, आज की जनता, आज के लोग ठीक तरह से वाकिफ हैं, किनका दबाव हो सकता है, कहां से दबाव हो सकता है। एक तो ये बात कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण इस क्षत्रिय समाज को किसी तरह से मनाना चाहती है, हड़काना चाहती है, या उसके संभव है कि ये खबर अगर 11 बजे
तक बीजेपी या इनके द्वारा धनंजय सिंह के द्वारा अगर बहुजन समाज पार्टी को नहीं दी जाती तो शायद आज कुछ जैसे सूरत, जैसे इंदौर, जैसे पुरी में जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों के पर्चे जबरदस्ती खारिज करके या उन्हें वापस कराकर या उन्हें दबाव बनाकर और वहाँ माहौल बनाया गया, वो स्थिति उत्तर प्रदेश में भी प्रारंभ की जा चुकी है। ये घटना कल आज सात कल अंतिम तिथि थी नामिनेशन दाखिल करने की और उसके पश्चात बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से मैनेज किया इस डैमेज को, जिस तरह से मैनेज किया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने तुरंत बहन मायावती जी को ये इस तथ्य से अवगत कराया कि इस तरह से उन्होंने मना कर दिया है, तो तुरंत उन्होंने संपर्क किया जो उनके पुराने प्रत्याशी श्याम जी यादव जी हैं, उनको खबर की गई कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो उनके पास 1 बजे रात में फोन आया, बहन जी का फोन आया और वो बिल्कुल तैयार हो गए और इस तरह से कल उनका पर्चा दाखिल किया गया। तो इसके पीछे जो षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी का मिला जुला, क्यों ये बात तथ्य सामने आ रही है, क्योंकि इस कहानी के पीछे, इस षड्यंत्र के पीछे ये षड्यंत्र रचा कहाँ गया, ये रचा गया बेंगलोर में समाजवादी पार्टी के चहेते, भारतीय जनता पार्टी के चहेते राजा भैया जो ठाकुरों के आज की तिथि में अग्रणी नेता माने जा रहे हैं पूरब या मध्य उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनका कोई प्रभाव नहीं है लेकिन उधर उनके संबंध धनंजय सिंह से इस प्रकार के बताए जा रहे हैं कि वो अपने घर के किसी बाप की बात को तो टाल सकते हैं लेकिन राजा भैया की बात को वो नहीं टाल सकते। ये षड्यंत्र बेंगलोर में रचा गया, राजा भैया की मुलाकात बेंगलोर में अमित शाह गृह मंत्री जी से होती है, वहीं ये पटकथा तैयार होती है, वहीं से ये जो दबाव की बात है या जो टिकट वापस होने की बात है या बैठने की बात है या क्षत्रियों के समीकरण को उलटने की बात है, ये षड्यंत्र वहीं रचा जाता है। इसका सीधा कनेक्शन इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है। दूसरा, इसके पीछे दबाव में आने का जो मतलब है वो छिपा नहीं है, वो कि इस दबाव में धनंजय सिंह नहीं आते लेकिन इस उनके आने का, इस दबाव में आने का एक कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई केस से भी जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई केस जो मूसावाला हत्याकांड में ये आरोपी अयोध्या में रुके थे और इनका संबंध धनंजय सिंह से बिल्कुल साबित हो चुका है। इस केस में ये केस अगर बीजेपी आज चाहे तो आज धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर सकती है और उनको जेल की सलाखों के पीछे जिस पे जमानत भी नहीं है। तो ये बात कि आपको घर में रहना है या जेल में रहना है ये आपको तय करना है। इसके पीछे धनंजय सिंह के दबाव के प्रति जो उनका बाहुबलीपन है, जो उनकी जो बाहुबली की छवि है, वो सत्ता से बड़ा बाहुबली कोई नहीं होता। सत्ता जिसके पास है बाहुबली वो है। तो इसके पीछे जो लॉरेंस बिश्नोई का ये मामला है वो बिल्कुल इस कांड से, इस षड्यंत्र से जुड़ता है। तो इन्होंने इस दबाव में यह टिकट वापस किया गया। इसके पीछे जो जो लोग थे वो भी मैंने हल्का सा जिक्र किया और अंततः वो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया और बहुजन समाज पार्टी ने इसको मैनेज करते हुए रातों रात, क्योंकि एक दिन था
पर्चा दाखिल करने का, तो उन्होंने श्याम सिंह यादव को तैयार किया और उनका पर्चा दाखिल हुआ है। अब वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर यह बात कि बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटा, तो उन्होंने तो अप्लाई कर ही दिया है, वो तो कल तक उनका कोई वापस तो हुआ नहीं है, वापस ना होने का, अगर उनको चुनाव लड़ना है तो अभी भी वो चुनाव लड़ सकती है, अभी तो उनका पर्चा दाखिल है, श्याम सिंह यादव वापस कर लेंगे। लेकिन नहीं, ये गलत बात है, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट काटा नहीं है। ये जो नैरेटिव पूरे सोशल कुछ जो गोदी मीडिया है उसके द्वारा जो चलाया गया है, पूरे न्यूज चैनल भरे पड़े हैं इसे कि बहुजन समाज पार्टी ने एक टिकट काटा, अब वो बीजेपी की बी टीम हो गई है, ये बीजेपी को जिताने के लिए, जिसमें से कुछ ऐसे चैनल हैं जो दलाल हैं, जो कांग्रेस के दलाल हैं, तमाम इस तरह के लोग हैं, एक बानखेड़े, अशोक बानखेड़े, जो जिनके जबान से यही निकलता है, हरदम यही निकलता है कि बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। केवल एक टिकट काटने नहीं, उनके बदलने से, इसलिए उसको मैनेज करने से पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां बहुजन समाज पार्टी ने नाक में दम कर रखा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के, वो एक टिकट से ही बी टीम हो गई, रातों रात एक घंटे में बी टीम हो गई। कल उन्होंने यही अपना चलाया है, अपना एक मैसेज वो जो यूट्यूब पर उन्होंने प्रसारित किया है। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने बड़े यत्न से, बड़े चालाकी से, बड़े खूबसूरती से अपना कैंडिडेट बदला, और वो जो कैंडिडेट है, किसी गलत फहमी में ना रहे, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट या समाजवादी के कैंडिडेट, श्याम सिंह यादव वो जीती हुई सीट है, श्याम सिंह यादव वहाँ पर बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। मजबूत इसलिए कि जौनपुर में यादवों की संख्या 5 लाख है और दलितों की संख्या, वोटर की संख्या 4 लाख है, 9 लाख तो यही होते हैं, मुस्लिम वहाँ 3 लाख है, 12 लाख वोट अगर एक तरफ पड़ जाएगा, 12 लाख नहीं, जो भी इसमें है मुस्लिमों का कुछ 50% वोट भी अगर आ गया, यादवों का वोट, श्याम सिंह यादव एक ईमानदार, प्रतिष्ठित, जीते हुए और एक सुलझे हुए कैंडिडेट हैं। इसके अलावा जो दोनों हैं उन पे भ्रष्टाचार, उन पे तमाम इस तरह के आरोप हैं, तो वहाँ का यादव, जौनपुर का यादव बहुत सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, उत्तर प्रदेश या और दूसरी जगहों से, देश के अन्य जगहों से जौनपुर का यादव बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, वहाँ घर घर IAS IPS की जो खबर चलती है वो जौनपुर से ही है, जौनपुर में 23 डिग्री कॉलेज और वहाँ यूनिवर्सिटी का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है, वहाँ अच्छे पढ़े लिखे वोटर्स हैं, समझदार वोटर्स हैं। अगर इस नैरेटिव, इस षड्यंत्र को समझते हैं और श्याम सिंह यादव एक सशक्त कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो सकती है, पराजित हो सकती है, ये बिल्कुल तथ्यों के आधार पर है। यादव वोट सबसे ज़्यादा जौनपुर में, लोगों के लिए गलतफहमी थी कि छत्री वोट सबसे ज़्यादा, छत्री वोट नहीं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर यादव वोट है जौनपुर में, और दूसरे नंबर पर दलित वोट है और उसके बाद मुस्लिम वोट है। वो जीती हुई सीट है श्याम सिंह यादव की, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का संगठन मजबूत है और वो मजबूती से संगठन, उनकी पूरी तैयारी है, वो श्याम सिंह यादव मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, वो एक सशक्त कैंडिडेट हैं, वो कहीं भी किसी रूप में कोई कमजोर या बीजेपी को जिताने के लिए ये बदलाव जो कुछ भी हुआ है रातों रात, ये जो एक तरह से प्रबंध किया गया है, ये कोई बीजेपी को जिताने के लिए नहीं, स्वयं वो कैंडिडेट मजबूत है, वो जीतने वाली सीट है। किसी गलत फहमी में लोग ना रहें कि ये टिकट काटा नहीं गया, बल्कि उनके द्वारा चुनाव लड़ने से मना करने पे ये बदलाव किया गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब,
कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।